नमस्कार दोस्तों, नेहरा स्टडी हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं बलविंदर नेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सुबह उठते ही आपको एक नई भर्ती के बारे में अपडेट देते हैं, आज उसी अपडेट में अपने तीन भर्तियों के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने नए दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। बहुत ही बेनिफिटली ये चैनल आपके लिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए एक नई भर्ती के बारे में चर्चा करते हैं, उस भर्ती के संपूर्ण प्रोसेस के बारे में आप चर्चा करते हैं। आपका फिर भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज अपने बात करने जा रहे हैं मार्च की तीन नई बड़ी भर्तियों के बारे में, जिनके फॉर्म अभी हाल ही में प्रारंभ हो चुके हैं। कुछ के प्रारंभ अंतिम तारीख आने वाली है, कुछ के प्रारंभ होने वाले हैं। बात करेंगे पहली भर्ती के बारे में। दोस्तों, पहली जो भर्ती है आर्मी रैली यानी अग्निवीर जो 4 साल के लिए भर्ती किए जाते हैं, उनकी जो भर्ती चल रही है उनके बारे में अपनी बात करेंगे। दोस्तों, पोस्ट की बात करें तो रैली में कभी भी, ओपन भर्ती में कभी भी सीटें निर्धारित नहीं की जाती, लेकिन अनुमानित अपने अगर लेकर चले दोस्तों तो अनुमानित 40,000 से प्लस ये पोस्टें हैं, 40,000 से ज़्यादा ये आर्मी ऑल इंडिया में ये क्या किए जाएंगे, भर्ती किए जाएंगे। दोस्तों, ऑनलाइन इसके फार्म अप्लाई हो रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे कब से अप्लाई फार्म प्रारंभ हो रहे हैं और कब तक प्रारंभ होंगे। उससे पहले बात करें योग्यता की, तो 12वीं प्लस, अगर आप 12वीं प्लस हैं, प्लस टू बेस पास हैं, तो आप इस फार्म को भरने में एलिजिबल हैं, फार्म अवश्य भरें। एज की अगर बात करें तो 17 से 17.5 साल से 21 वर्ष का जो क्राइटेरिया इसमें रखा गया है, सेक्शन इसमें कोई नहीं होता कि आपको छूट, इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती। 17.5 से 21 वर्ष के जो व्यक्ति हैं जीडी में, वो ये भर्ती होते हैं अग्निवीर। दोस्तों, फीस की अगर बात करें तो ऑल कैंडिडेट, चाहे वो जनरल का है, एससी का है, ओबीसी का है, या ईडब्ल्यूएस का है, चाहे एसटी का है, सभी के लिए 250 रुपये फीस है जो निर्धारित की गई है। दोस्तों, अप्लाई डेट की भी अपनी बात कर रहे थे तो इसके जो फार्म है 17/3/2023, अभी फार्म अप्लाई होना प्रारंभ नहीं हुए। आज तारीख है दोस्तों 6 मार्च, और 6 मार्च को अपनी ये वीडियो बना रहे हैं, तो 17 मार्च 2023 को जो फार्म प्रारंभ होंगे, और 15 या 13-14 दिन है जो फार्म अप्लाई होना प्रारंभ रहेंगे, और अंतिम तारीख है 31 मार्च 2023, यानी 12 से 13 दिन है जिसमें आप फार्म अप्लाई कर सकते हो। ये थी दोस्तों पहली भर्ती आर्मी रैली की। बात करते हैं दूसरी भर्ती के बारे में, इसके संपूर्ण प्रोसेस के बारे में भी अपनी बात करेंगे। UPSC विभाग कौन सा है दोस्तों, UPSC में जो पोस्ट आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे। टोटल अगर इसी पोस्टों की बात करें, बहुत बड़ी पोस्ट है दोस्तों, तो 517 पोस्ट इसमें आई हुई है। UPSC में 517 पोस्टें आई हुई हैं। योग्यता की अगर बात करें तो ग्रेजुएट व्यक्ति फार्म भर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, किसमें भी अगर आपने ग्रेजुएट की हुई है, BTech वगैरह कुछ भी किया हुआ आपने, तो आप फार्म अप्लाई कर सकते हो। एज की अगर बात करें, मैक्सिमम आप कैटेगरी के हिसाब से 35 वर्ष तक आप फार्म अप्लाई कर सकते हो, कैटेगरी के बाई कैटेगरी आप किसे 35 वर्ष तक, रिलैक्सेशन प्लस में रिलैक्सेशन इसमें ऐड हुआ है, 35 वर्ष तक आप इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हो। फीस की अगर बात करें दोस्तों, जनरल और ओबीसी के लिए फीस कितनी है, 2500 रुपये, जनरल और ओबीसी के लिए फीस है जो 2500 रुपये, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए कितनी है, 0 रुपये, नील है फीस। दोस्तों, अप्लाई डेट की अगर बात करें तो इसके फार्म अप्लाई हो रहे हैं 25 फरवरी से इसके फार्म अप्लाई होना प्रारंभ हो गए थे, और 17 मार्च 2023 तक इसके फार्म अप्लाई होंगे। दोस्तों, अंतिम तारीख है 17/3/2023 तक अपना फार्म, जो जो एलिजिबल हैं तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो अपना फार्म अपन अवश्य भर दें। तीसरे विभाग के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तीसरे विभाग की अगर अपने बात करें तो असम राइफल। अब बहुत से दोस्तों का डाउट रहता है कि असम राइफल वाले केवल असम राइफल यानी असम वाले ही फार्म भर सकते हैं। नहीं दोस्तों, ये आर्मी के एक बटालियन है, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन इसके फार्म अप्लाई होंगे, ठीक है, ऑनलाइन इसके फार्म है जो अप्लाई हो रहे हैं असम राइफल में, आर्मी के एक बटालियन है दोस्तों। टोटल पोस्टों की बात करें तो 616 पोस्टें इसमें अप्लाई होंगी, 616 टोटल पोस्टें इसमें दी हुई है, कैंडिडेट अप्लाई अवश्य करें। बात करेंगे योग्यता की, 10वीं पास वाले
प्लस टू वाले और ग्रेजुएट वाले इसमें फार्म भर सकते हैं, यानी कम से कम अगर आप 10वीं की हुई है तो भी इसमें आप फार्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। एज अगर बात करें, एज की बात करें तो 18 से 23 वर्ष के इसमें क्राइटेरिया रखा गया, प्लस में रिलैक्सेशन है जो अलग से दिया जाएगा। फीस की अगर इसमें बात करें तो ओबीसी और जनरल के लिए जो फीस है 100 रुपये और एसटी एससी और अदर कास्ट के लिए कितनी है 0 रुपये फीस रखी गई है। अप्लाई डेट की बात करें तो 17 फरवरी से इसके फॉर्म अप्लाई होना प्रारंभ हो चुके हैं। इसकी फुल डिटेल वीडियो भी अपने चैनल पर डाल चुके हैं, अगर आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो। 19/3/2023 तक ये फार्म अप्लाई होंगे दोस्तों। अभी भी आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन तीनों भर्तियों के बारे में आपका किसी प्रकार का कोई विचार हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें दोस्तों। मेरे चैनल से नए दोस्तों से निवेदन है कि इस चैनल से जुड़े रहें, हम रोज़ नई भर्तियों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मेरे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम और अपने टेलीग्राम का लिंक है जो डाला हुआ है, उसमें नई नई अपडेट अपने लाते रहते हैं। आपसे निवेदन है कि मेरे उन अकाउंट से भी आप जुड़ें। आज के लिए इतने ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।